मैं आपसे फिर एक बार विनम्रपूर्वक विनती करता हूं, मैंने जो शब्द आपको बताए, मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलते हुए आपको गुमराह भी नहीं करना चाहता, जो बात मैंने बताया है आपके गांव जाके जरूर सोचिए। आखिरी में मैं एक शब्द और कहूंगा, जब सारे बातें संभव तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में सिर्फ मन की कमी है। इस मन को अगर हमारे तरफ खींच रहा है तो हमारा एकत्रित होना, एकजुट होना ही एक ही काम है। कुछ ही समय में गांव गांव में बीआरएस के नेता लोग आएंगे, मेंबरशिप बनेगा, बीआरएस के कमेटियां बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, यह किसान का पार्टी है, किसान का झंडा है, हर गांव में इसको ताकतवर बनाइए, वो आपका ताकत बनेगा, आपके लिए लड़ता रहेगा। आपको शुभकामनाएं देते हुए, हमारे पूर्ण विजय प्राप्त हो, हमारे आत्महत्याएं बंद हो, भरपूर पानी सिंचन के लिए आए और हमें पूरी सहूलतें मिले, भरपूर फ्री बिजली हमारे को मिले, ये मैं चाहता हूं। और भगवान से पूरी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे अपने भाषण समाप्त करता हूं। जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अब की बार ठंडा पड़ गए, गर्म ज्यादा बोलिए, अब की बार, अब की बार, धन्यवाद।